रविन्द्रनाथ गृह में संत रविदास की जयंती पर अनोखा महोत्सव अपने अनूठे अंदाज में मनाया जाएगा। कार्यक्रम के आयोजक हरीश विजयवर्गीय ने बताया कि रविदास जयंती पर शहर में पहली बार ऐसा आयोजन होने जा रहा है जिसमें भारत माता का पूजन किए बिना किसी को भी प्रवेश नहीं मिल सकेगा। आयोजन में पहली बार शहर के लगभग समस्त समाज जनों के पदाधिकारी शामिल होंगे। संत शिरोमणि श्री रविदास जी की जयंती पर हरीश विजयवर्गीय द्वारा पत्रकारों से चर्चा करते हुए बताया कि समाज जनों के गैर राजनीतिक लोग मिलकर संत शिरोमणि रविदास की जयंती का महोत्सव वरिष्ठ अंदाज में मनाएंगे। निर्धारित समय पर कार्यक्रम के अनुसार किसी भी दर्शक या श्रोताओं को भारत माता का पूजन किए बिना नवी नाट्य गृह में प्रवेश नहीं मिल सकेगा। इसके साथ ही कीर्तन के साथ सिर पर रूमाल, टोपी व अन्य वस्त्र रखना जरूरी होगा। कार्यक्रम में गुरुवाणी का पाठ भी किया जाएगा। संत रविदास के अनेक दोहे और गुरुवाणी भी शामिल माने जाते हैं। कार्यक्रम का शुभारंभ 6:30 बजे रविन्द्र नाटक गृह के संत रविदास के चित्र पर माल्यार्पण कर एवं दीप प्रज्वलित कर होगा। यही नहीं, पिछड़े और समाज की अंतिम पंक्ति में बैठने वाले दलित परिवार की कन्याओं का पूजन कर उन्हें उपहार भी भेंट किए जाएंगे। उनके साथ ही संत रविदास के प्रमुख कीर्तन भी होंगे। आयोजक दरअसल मृतक को तोड़ने का प्रयास मंत्र है, जिस पर समाज के संत हो उसी समाज के लोगों उसकी जयंती पुण्यतिथि मनाई जाती है। संत और विधान किसी भी समाज का हो या विशेष नहीं है कि वरदान किसी भी समाज या विशेष के लिए नहीं, बल्कि बिना किसी भेदभाव और पक्षपात के आम लोगों के कल्याण के लिए काम करते हैं। संत रविदास भी ऐसे ही क्रांतिकारी थे। आज उनके संदर्भ में ऐसा संदेश प्रसारित किया जाएगा और समाज के समस्त समाजजनों के लिए महत्वपूर्ण भी है। यह आयोजन इसी उद्देश्य से गैर राजनीतिक लोगों द्वारा किया जा रहा है। सबसे पहले तो ये बताऊंगा कि ये कार्यक्रम का भाव कैसे आया, क्या हुआ है। अभी समाज की स्थिति देखें तो समाज में थोड़ी सी कहीं ना कहीं आपको वैमनस्यता दिखती है, तो हमने इसी पवित्र भाव को आगे बढ़ के पवित्रता आए यह विचार करके एक कार्यक्रम करने की सोची। जो यह कार्यक्रम के आयोजक एक उच्च उस समाज के लोग, इसे ब्राह्मण हैं, मैं वैश्य समाज से आता हूँ, कुछ ठाकुर समाज से हैं, कुछ सिख समाज से, और संत रविदास जी समाज के लोग तो हमारे साथ हैं। हम लोगों ने एक कार्यक्रम करने की सोची और वह कार्यक्रम 24 तारीख को रविंद्र नाट्य गृह में 6:30 बजे भारत माता की पूजन के साथ चालू होगा। उसके बाद में उस समाज की जो कन्याएं हैं उनका पाद पूजन होगा, टैबलेट उनको वितरित किया जाएगा। उसके बाद उस समाज के समाज सेवियों का सम्मान होगा। संत रविदास जी ने जो उनके बहुत सारे दोहे गुरुवाणी में है, तो सिख समाज से उनकी संगत आएगी, वो कीर्तन करेगी उनके दोहों का, वो आधे घंटे का समय है। फिर वहाँ पर जो हमारे मुख्य वक्ता हैं कुशल राज जी महेश्वरी और डॉक्टर कमलेश जी बड़ोनिया, उनका वक्तव्य होगा। उसके बाद एक सबसे इसमें विशेष बात यह है, जो संतों ने हमें भक्ति मुक्ति समरसता का भाव जो दिखाया है उसकी एक शपथ होगी, और शपथ दिलवाएंगे राम स्नेही संप्रदाय के संत अमृत राम जी महाराज। उसके बाद में सागर आनंद जी महाराज जी वो संत रविदास जी की आरती करेंगे। ये एक पूरा भावपूर्ण कार्यक्रम है और विश्वास मानिए कि माँ अहिल्या की नगरी से इसकी शुरुआत हो रही है और इसकी गणना देश में सभी जगह होगी। मैं हरीश विजयवर्गीय, इस कार्यक्रम समरसता में विश्वास हमारे रविदास का आयोजन है। नमस्कार, मैं तरुण मिश्रा। 24 फरवरी को इंदौर में एक अनूठा कार्यक्रम होने जा रहा है संत रविदास जी के पुण्य स्मरण में। पूरा देश संत रविदास जी की जयंती 644वीं जयंती 27 तारीख को मना रहा है। इंदौर उसके पूर्व ही 24 तारीख को रविन्द्र नाट्य गृह में एक भव्य और अनूठा आयोजन कर रहा है। अनूठा इसलिए कि संत रविदास जी की जयंती विभिन्न समाजों के, लगभग सभी समाजों के लोग मिलकर मना रहे हैं। इस दिन ये सारे लोग इकट्ठे होकर संत रविदास जी के बताए गए आदर्शों और उनके विचारों को सबके सामने रखेंगे और उन पर चलने का प्रयास करेंगे। कार्यक्रम जैसा मैंने बताया कि अनूठा है और भव्य है। शायद प्रदेश नहीं, देश में इस तरह का कोई कार्यक्रम अभी तक नहीं हुआ है। कोई शुरुआत ऐसी नहीं हुई है कि संत सभी के होते हैं, संत राष्ट्र के होते हैं, राष्ट्र संत हम कहते हैं। किसी भी आरती या पूजा के ख़त्म होने के बाद हम कहते हैं सब संतन की जय।
तो ये सभी के संत हैं। ये एक राजनीतिक संकीर्णता या मानसिक संकीर्णता के चलते हमने इन्हें समाजों में बांट दिया, वर्गों में बांट दिया, जबकि इन संतों की शुरुआत से यही इच्छा और संदेश रहा है कि हम वर्ग और जाति से ऊपर उठकर कार्य करें, मिलकर काम करें, समरसता के साथ काम करें। कब और कहाँ? 24 तारीख को यह कार्यक्रम रविन्द्र नाट्य गृह के प्रांगण में आयोजित किया गया है। आप सबको मैं आमंत्रित करता हूँ और कार्यक्रम की जानकारी देने के लिए मैं हरीश जी को रिक्वेस्ट करता हूँ कि वो कार्यक्रम की जानकारी देंगे। मेरा नाम तरुण मिश्रा है।